बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम दूसरी जमात की उर्दू की किताब में से एक सबक आमोज कहानी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वतन की मोहब्बत। सबसे पहले इसके हास अल्फाज पढ़ लेते हैं। हास अल्फाज, चेकर। चेकर किसको कहते हैं? टिकट चेक करने वाले को। इल्तजा, दरख्वास्त या गुजारिश। मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया हो। गठरी, कपड़े का थैला। बुढ़िया, बूढ़ी औरत। रहम, मेहरबानी। नुकसान, कमी। ये किस्सा पाकिस्तान के क्याम के चंद दिन बाद का है। एक बुढ़िया एक रेल के डब्बे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक गठरी थी। गठरी थी यानी उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था। थोड़ी देर बाद एक चेकर ने आकर सबके टिकट देखे। बुढ़िया के पास टिकट नहीं था। जब चेकर ने उससे टिकट मांगा तो बुढ़िया ने चेकर से नरमी की इल्तिजा की और कहा, बेटा मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ ये गठरी है, मुझ पर रहम करो, टिकट मत काटो यानी टिकट मत बनाओ। चेकर ने फिर भी अपनी कॉपी से रसीद काट दी। उसने बुढ़िया को जवाब दिया, अम्मा मैं जानता हूँ कि तुम मजलूम हो, लेकिन टिकट के बगैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसलिए टिकट तो बनेगा मगर इसकी रकम मैं अपनी जेब से दूंगा, यानी इसकी रकम जो है वो चेकर खुद अदा कर लेगा। पढ़ें, आगे हम इसकी मशक हल करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं हम वो पढ़ लेते हैं। इल्तिजा, मजलूम, गठरी, बुढ़िया, रहम, नुकसान, किस्सा, टिकट, रसीद, रकम, जेब, खो चुकी। ये किस्सा पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद का है, यानी ये कहानी जब पाकिस्तान बन गया था उसके बाद की है। लेकिन टिकट के बग़ैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा। सवाल नंबर एक, मुख्तसर जवाब दें। नंबर एक, ये वाक़या कब पेश आया? इसका जवाब है, ये वाक़या पाकिस्तान बनने के बाद पेश आया। नंबर दो, बुढ़िया के टिकट के पैसे किसने दिए? इसका जवाब है, बुढ़िया के टिकट के पैसे चेकर ने दिए। सवाल नंबर तीन, आपने इस वाक्य से क्या सबक सीखा? मैंने इस वाक्य से ये सीखा कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। आगे है अरकान मिलाएं या अरकान बनाएं। जैसे ये अरकान दिए गए हैं, मीम पे शीन मुश, काफ लाम किल मुश्किल, डाल बे डब, बे बड़िए बे डब बे। यहाँ पे बे दो दफ़ा आया है तो हम इसको एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर शद लगा लेंगे। पे अलिफ पा, काफ साकिन पाक, सीन ते सत, अलिफ स्ता, नून साकिन स्तान, पाकिस्तान। आगे दिया गया है चेकर। चेकर को हमने इसके अरकान जो है वो बनाने हैं। चे ये चे, काफ रे कर, चेकर। मीम जो मजलूम, मीम जोए मज, लाम वालो मीम साकिन मजलूम। नुकसान, नून पेश काफ नुक, सौद अलिसा नून साकिन सान। आगे है नंबर दो है, अल्फाज को मुजाद से मिलाएं। बूढ़ी, बूढ़ी का मुजाद होगा जवान। दिन, दिन का रात। मुश्किल, मुश्किल का मुजाद होता है आसान। सवाल, सवाल का मुजाद है जवाब। नंबर तीन, जुमले बनाएं। रहम, हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए। इल्तिजा, बुढ़िया ने चेकर से नरमी की इल्तिजा की। नुकसान, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नंबर चार है, दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त और गलत पर गलत का निशान लगाएं। बुढ़िया बस में सफ़र कर रही थी, गलत, बुढ़िया रेलगाड़ी में सफ़र कर रही थी। बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे, दुरुस्त। चेकर ने रकम अपनी जेब से दी, दुरुस्त। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कहानी पढ़ी है वतन की मोहब्बत, जिसमें हमें ये सबक दिया गया है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे वतन के लिए नुकसानदेह हो। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके मुश्किल अल्फाज की अपनी कॉपी पर लिख कर दोहराई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।